सर देखिए, लास्ट टॉपिक इनकम टैक्स पे आप लोग का टीडीएस। नाउ टीडीएस अपने लोग टोटल इनकम से क्या करते हैं, सॉरी टोटल टैक्स से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। कोई बता पाएगा टीडीएस क्या है? टीडीएस क्या है सर? जिशान जी, टीडीएस क्या है? टीडीएस क्या है? काम तो किए हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं, आईटीआर में डाले भी हैं, आईटीआर में डाले भी हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं डाले आप। पता क्या है टीडीएस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? क्या टीडीएस एक टैक्स है? टीडीएस एक अलग सा टैक्स है क्या? क्या है? पहले पे कौन करता है? कौन से क्लियर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप लोग भी कहीं जॉब करोगे, सैलरी करोगे, तो आपका भी टीडीएस कटेगा अगर आपका इनकम ज्यादा है तो इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयर काटता है तो टीडीएस का मतलब क्या है, क्या है इसका पॉइंट है, किसी को आइडिया है, कुछ जानता होता है? देखिए गवर्नमेंट, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शंस है जिसको गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ट्रैक करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है। तो गवर्नमेंट पकड़ेगा कैसे? तो गवर्नमेंट यहां पर दो प्रोविजन लाया सर, दो सेक्शन लाया इनकम टैक्स में। एक लाया टीडीएस और एक लाया टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टीसीएस बेसिकली जो बिजनेस वगैरह है, एग्रीकल्चर एंड अदर, आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर बिजनेस जो हैजर्डस मटेरियल वगैरह है, उसके ऊपर में टीसीएस चार्ज होता है। जैसा तंबाकू वगैरह हो गया, गुटखा वगैरह हो गया, ये सारे चीज को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी बिजनेस के ऊपर में टीसीएस चार्ज करती है। ठीक है, आप देखोगे ना कि पहले के टाइम पे तंबाकू गुटखा वगैरह का प्राइस कम था, अभी रिसेंटली ये 10 साल से बहुत ज्यादा हो गया। मेरे को नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, डाउट तो लोग शरीफ लगा तो लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, बड़ा नहीं हो, बड़ा होगा तब पता है। जैसे कि सिगरेट पहले के टाइम पे 1 रुपए 2 रुपए पे मिलता था, 5 रुपए में मिलता था, अभी 18 से 20 रुपए हो गए, समझा? तो ये सारा जो रीजन है, जो कॉस्टिंग बढ़ा है, कॉस्टिंग किस लिए बढ़ा है? गवर्नमेंट ह्यूज टैक्स उसमें चार्ज करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऐसा बहुत सारा ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन है ना जिसको गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ट्रैक करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक सीए है, ये एक क्लाइंट है, इसको सर्विस दिया, इसको सर्विस दिया, इसको प्रोफेशनल सर्विस दिया। सीए भैया और क्या सर्विस देगा? तो प्रोफेशनल सर्विस दिया इसको। ठीक है, अगला का अकाउंटिंग वगैरह, टैक्स वगैरह सब कुछ देखा होगा, और इसके लिए इससे ये इनवॉइस कोड करेगा। इनवॉइस में रिमेम्बर जीएसटी वगैरह आता है नहीं आता है, उसका प्रोविजन अब लोग पढ़ेंगे। बट ये टोटल इनवॉइस इसको सेंड किया 50,000 का, कितना रुपए का, जो कि ज्यादा नहीं है। एक साल का 50,000 रुपये, जो कि ज्यादा नहीं है सर, बहुत कम है। ठीक है, तो 50,000 ये सीए एक क्लाइंट को चार्ज करता है फॉर मेंटेनिंग ऑल हिज बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह और सब कुछ करके 50,000 रुपये। जैसे मेरा एक क्लाइंट है जिसका मैं 70,000 लेता हूँ, ऐसे करके 5 क्लाइंट है मेरे पास, तो ऑलमोस्ट उसका एनुअल पैकेज के हिसाब से चलता है सब कुछ, जो कि बहुत कम है। मार्केट रेट, मार्केट रेट में ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास रहता है, बहुत कम है। ठीक है, रेट कम किस लिए होता है? जब बिजनेस करोगे तो समझ में आएगा, वो अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, राइट? इसलिए तो 70,000 मान ली कि मैंने एक कस्टमर से चार्ज किया, बिलिंग किया। अब ये प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर में ये जो क्लाइंट है ये मुझे पेमेंट करेगा, है ना? ये क्लाइंट मुझे पेमेंट करेगा और ये 70,000 किसका इनकम होगा, है ना? ये मेरा इनकम होगा सर, ये 70,000 मेरा इनकम होगा ना, और मेरा ये इनकम कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, रिमेम्बर पढ़े अपने लोग, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। वहां पर मैं ऐसे एनुअल ऑडिट फीस करके या तो फिर है ना कंप्लायंस चार्जेस बोल के, प्रोफेशनल फीस बोल के क्या करूंगा?
इसको इनकम दिखाऊंगा 70,000 रुपए का, है ना, इस तरह से जितने भी क्लाइंट है सबका वैसे दिखाएंगे। बट इस ट्रांजेक्शन में टीडीएस अप्लीकेबल है, क्या अप्लीकेबल है, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ने के लिए दिया था। आई होप आप लोग नहीं पढ़े, पूरा उम्मीद है आपसे। 194J एक बार देखिएगा, मिला, देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के ऊपर में टीडीएस चार्ज होता है सर। तो फीस पर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज रुपीज 30,000, कितना रुपया सर, 30,000 रुपया, और इसके ऊपर में कितना परसेंट है सर, ये 2% को काट दीजिए, कितना परसेंट है, 10%, ठीक है, 10% है, कितना परसेंट है, 10%। तो सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर में टीडीएस कितना परसेंट है, 10% है। अब ये टीडीएस 10%, इसका मतलब पता चल गया कि भैया था ये जो ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर में टीडीएस का प्रोविजन है, टीडीएस अप्लीकेबल है ना। अब टीडीएस का फंडा क्या होगा, चीज समझिएगा सर, ऐसा देखिएगा, और भी बहुत सारा है, अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ये बंदा को पता चल गया भाई साहब कि मैं उसको जो 70,000 का पेमेंट कर रहा हूं इसमें टीडीएस अप्लीकेबल है ट्रांजेक्शन में, तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा 70,000 में से लेस टीडीएस, टीडीएस कितना परसेंट था पढ़े आप लोग, वो 10% काट लेगा, 63,000, ये 63,000 पेड करेगा टू सीए को डायरेक्टली, पेड टू सीए डायरेक्टली, ये उसको पेमेंट कर देगा, क्लियर है, चीज समझिएगा। ये 63,000 किसको दे दिया, इसको दे दिया कि भाई साहब, अब बोला कि ये जो 7,000 रुपए है ना भाई साहब, ये 7,000 रुपए हम क्या करेंगे, ये 7,000 रुपया को हम दो चीज करेंगे, एक तो मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है ना, और टीडीएस डिडक्ट किया, ये सपोज मेरा सितंबर के महीना में, लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में मेरे पास एक क्लाइंट का पेमेंट आया, तो सितंबर मंथ में वो अगर टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो पेड करेगा टीडीएस पेड, ये टीडीएस पेमेंट वो गवर्नमेंट को करेगा, किसको करेगा सर, टीडीएस का पेमेंट का एक फॉर्म आता है, वो गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा नेक्स्ट मंथ का 7 डे, क्या बताइए, 7th of next month, 7 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ के अंदर में वो गवर्नमेंट को पेड करेगा, कितना रुपए का, 7,000 रुपए, ठीक है। साइट क्या है सर, NSDL साइट। तो जब प्रोफेशनल फीस मुझे पेमेंट करना रहेगा तो क्लाइंट मुझे टोटल 70,000 नहीं देगा, क्लाइंट क्या करेगा, 60,000 पेड करेगा, और 7,000 उसके पास टाइम है, उसके पास टाइम क्या है, अगर उसने सितंबर को इनवॉइस काटा था तो नेक्स्ट मंथ का सेवन इस डेट के अंदर में उसको टीडीएस का पेमेंट कर देना है, क्या कर देना है, पेमेंट कर देना। और टीडीएस का पेमेंट कहां से होता है सर, ये ई पेमेंट ऑफ टैक्सेशन में आएंगे, ये 3 यूजर है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, सब यहीं पे पेमेंट होती है सर, ठीक है। आप अगर देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर में भी लगता है सर, इसके ऊपर में भी लगता है, ये देखिएगा, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जितना भी टैक्सेशन वगैरह है ये 280 में जाता है सर, ठीक है। और नॉर्मली ज्यादातर टीडीएस इस पे जाती है सर, चलान नंबर का 281 पे, ठीक है। आप इसमें जाओगे, प्रोसीड में क्लिक करोगे, पेयर और पेई का डिटेल वगैरह मांगेगा, आप इसको पेमेंट कर दो, पेमेंट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर लास्ट मंथ का इनवॉइस रहेगा तो नेक्स्ट मंथ का 7 तक का ये 7,000 रुपए क्या करना है, इस पोर्टल में जाके क्लाइंट को जमा कर देना है, क्लाइंट को क्या करना है सर, जमा कर देना, पेमेंट कर देना, क्लियर है, यही करता है लेकिन क्लाइंट का पैन से जमा होता है, ठीक है। अब ये पेमेंट करेगा तो यहां पर पैन किसका डालेगा, अपना डालेगा, और जो डिडक्टी है, डिडक्टी जिसका अगेंस्ट में वो काट रहा है, जिसके अगेंस्ट में वो काट रहा है, वो किसके अगेंस्ट में डालेगा, सीए के अगेंस्ट में डालेगा, भैया सीए का खाता में डाल दो,
ठीक है। और इसका टीडीएस पेमेंट करने के बाद एक क्वार्टरली रिटर्न होता है, क्या होता है सर? क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न होता है, ठीक है। 194 जे जितना वगैरह भी है सबका एक क्वार्टरली रिटर्न होता है। ये क्वार्टरली रिटर्न में अपना मतलब जो मेरा क्लाइंट है और जो सीए है इसका पैन नंबर में अपना पूरा डिटेल डाल देगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डाल देगा, डेट ऑफ पेमेंट डाल देगा, समझ रहे हैं? जो भी उसका एक फॉर्म आता है वो फॉर्म में पूरा डिटेल डाल करके इसको रिटर्न सबमिट कर देगा। जैसे ये मेरा रिटर्न सबमिट होगा तो ये 7,000 रुपए क्या है, ये 7,000 रुपया सीए का पोर्टल में, सीए का इनकम टैक्स पोर्टल में टीडीएस क्रेडिट बोलकर आ जाएगा। क्या बोलकर आ जाएगा? टीडीएस क्रेडिट बोलकर ये 7,000 रुपए आ जाएगा सर, ठीक है। और ये 7,000 रुपए टीडीएस क्रेडिट में आ गया सर हमारे पास, मतलब ये हमारा इनपुट की तरह हो गया 7,000। और जब अपने लोग सीए जब अपना रिटर्न फाइल करेगा, जब वो टैक्स का पेमेंट करेगा, तो 7,000 रुपए का क्या मिल जाएगा उसको? डिडक्शन मिल जाएगा। जी समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आप एडवांस टैक्स का ही प्रोविजन है, लेकिन उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए किया है बिकॉज ये 70,000 का जो इनकम है ये सीए अपना बुक्स में इनकम बोल के दिखाए इसलिए। ये तो इन लोग बहुत बुद्धिमान आदमी है, सयाना आदमी है सर, तो इन लोग कैश में ले लेता है। किस में ले लेता? कैश में ले लेता। और बहुत सारा क्लाइंट लोग कैश में जल्दी देता नहीं है, खासतौर से ऑडिट फीस और वगैरह जो भी का पेमेंट होता है ना, वो ऑलवेज किसके थ्रू होना चाहिए? बैंक के थ्रू होना चाहिए, तभी आपका ट्रांजेक्शन दिखेगा, ठीक है। प्रोफेशनल फीस और ऑडिट फीस समझिए, ऑडिट फीस को मैंडेटरी आपका अकाउंट से पेमेंट हो, तभी आपको समझ में आता है कि हाँ भैया इस बंदे ने ऑडिट किया जिन मिल ली, क्लियर है? तो ये प्रोविजन टीडीएस का है सर। तो टीडीएस याद रखिएगा, जो बंदा डिडक्ट करता है उस बंदे को टीडीएस का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ये टीडीएस का जब ये सबमिट कर देगा ना, तो एक हफ्ते के अंदर में एक टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा सर, ठीक है। ये टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट करके क्या करना है सर? सीए को हैंड ओवर कर देना कि भाई देखो 70,000 रुपया था, 63,000 रुपया तुम्हारा मैंने काट लिया, 63,000 रुपया तुमको मैंने पेमेंट कर दिया, और 7,000 रुपया का जो टीडीएस था मैंने तुम्हारा नाम पे, तुम्हारा पैन पे मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तुम चाहे हो तो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेगा? जब इनकम टैक्स का पोर्टल में जाओगे ना, तो एक फॉर्म 26A बोलकर एक फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें आपका वो पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ रहता है, किस कंपनी ने टीडीएस काटा नहीं काटा, ये सारा डिटेल वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है, क्लियर है? तो ये टॉपिक होता है टीडीएस का। सेम यही चीज है टीसीएस का, कोई अलग नहीं है। तो टीडीएस याद रखिएगा, ये एडवांस टैक्स नहीं, इट इज एप्लीकेबल ऑन सर्टेन ट्रांजेक्शन, वो सर्टेन ट्रांजेक्शन के ऊपर डिडक्ट होता है। और इसमें कौन डिडक्ट करेगा? जो पेयर है जिसको पे करना है वो डिडक्ट करेगा, किसके हैंड पे? पेई के अगेंस्ट पे। और उसके पास दो चीज है, एक तो टीडीएस पेड करेगा, उसका डेट क्या है? नेक्स्ट मंथ का सेवन के अंदर में पेमेंट करेगा, और क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा। क्वार्टरली रिटर्न कब का? 4 क्वार्टर होता है, अप्रैल से लेके जून, उसका डेट होता है 31 जुलाई, 1 महीना के बाद में। फिर उसके बाद में सेकेंड क्वार्टर का डेट क्या होगा? जून से लेके सितंबर, उसका डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर, समझ रहे हैं? इस तरह से डेट दिया हुआ, तो ये डेट तक आप टीडीएस का रिटर्न भर दिए, रिटर्न में सीए वगैरह सबका डिटेल डाल दिए, और कुछ दिनों के बाद में टीडीएस का सर्टिफिकेट आता है। क्या था? टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दे दीजिए, या तो फिर वो सीए अपना 26A में, 26A बोलकर एक फॉर्म होता है, उसमें वो सीए को दिख जाएगा कि भैया 7,000 रुपया जमा हुआ या नहीं, ठीक है। और वो 7,000 रुपया एक्चुअली क्या है? उसका इनकम है। वो क्लाइंट ने क्या किया, उसका टैक्स को इसके बिहाफ में पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, और टीडीएस सर्टिफिकेट देके दे दिया, बोले कि भैया तुम्हारा झमेला है, तुम गवर्नमेंट से समझ लो, मुझे गवर्नमेंट बोला है कि इस ट्रांजेक्शन में टीडीएस काटना है, मैंने काट के दे दिया, अब तुम्हारा झमेला है, क्लियर हो गया? तो इस लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जो इन द नेम ऑफ ट्रांजेक्शन पे काटी जाती है, क्लियर हो गया सर? टीडीएस का मतलब परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी आप एक क्वार्टर के अंदर में जितना भी पेमेंट किए सबका वो रिटर्न में सबमिट होना चाहिए। 3 महीना में अगर आपने पेमेंट किया ना, तो 3 क्वार्टर में, जैसा अप्रैल से लेके जून तक आपने पेमेंट किया जो जो टीडीएस,
उसका जुलाई के अंदर तक सबको आपको रिटर्न में दिखाना पड़ेगा, समझ गया? देखिए सर, क्या क्या ट्रांजेक्शन है जिसमें टीडीएस लगता है सर, तो सबसे पहला बात तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, टीडीएस ऑन सैलरी। आप कल को जॉब करेंगे तो आपका जो बॉस है, इंप्लॉयर है, वो आपका सैलरी पे टीडीएस काटेगा अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हुआ। लेकिन आपको पता है अगर इनकम 5 लाख से नीचे रहा तो जीरो टैक्स है, तो जीरो टैक्स है तो टीडीएस भी नहीं आएगा। नाउ टीडीएस ऑन सैलरी जो है, टीडीएस ऑन सैलरी जो है, इसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, इसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। जैसा नॉर्मली अपने लोग 10% 20% 1% देखे ना, इसका कोई परसेंटेज नहीं है। क्यों? आप देखो जब भी किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपका सैलरी क्या होता है, फिक्स होता है ऑलमोस्ट, है ना। कुछ कुछ बोनस वगैरह, इंसेंटिव वगैरह, वो आपको एंड में जाके डिसाइड होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम को पहले से कंपनी क्या करती है, कंप्यूट कर लेती है, और कंप्यूट करके आपका टोटल टैक्स निकाल लेती है, और वो टोटल टैक्स को डिवाइडेड बाय 12 कर देती है। क्या कर देती है सर? डिवाइडेड बाय 12 करके हर महीना आपका सैलरी से डिडक्ट करके गवर्नमेंट का खाता में टीडीएस नाम करके जमा कर देता है। समझ में क्या बोले? आपका सैलरी सपोज 10 लाख है, तो 10 लाख का टोटल कितना होगा, 1,12,500 प्लस सेस वगैरह ऐड कर लो, मान लो 1,14,000 हो गया। तो 1,14,000 को वो डिडक्ट कैसे करेगा, एक बार में थोड़ी ना काटेगा, तुम तो बड़ा पगला हो जाएगा। तो उसको सर डिवाइडेड बाई 12 कर देता है, तो डिवाइडेड बाई 12 करके जितना टैक्स का अमाउंट आएगा वो हर महीना आपका सैलरी से डिडक्ट करके आता है। इसलिए किसी भी कंपनी में जाते तो आप देखते हैं कि भैया मेरा पे इतना है लेकिन इन हैंड कितना आ रहा है। इन हैंड का मतलब होता है डिडक्शन, ऑल द डिडक्शन, जितना भी डिडक्शन है, पीएफ एसआई हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, टीडीएस वगैरह हो गया, सब काट के कितना आता है, जिसको इन हैंड सैलरी बोलता है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में जाएंगे सैलरी होता है, एक होता है सीटीसी, क्या होता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी, क्या बोलते हैं। तो ये थोड़ा ना बड़ी बड़ी कंपनी आप लोग भूला जैसा इनोसेंट बच्चे के साथ ना खिलवाड़ खेल देती है। सीटीसी बोल दिया बेटा 3 लाख और इन हैंड आ रहा 11,000। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, इट इंक्लूड्स ऑल द बेनिफिट, ऑल द परक्यूजिट, ऑल द एमिनिटीज। ठीक है, अगर कंपनी आपको बस दे रही है, स्टार्टिंग में शेयर दे देगा भाई तुमको, कौन हो तुम, बाप रे बाप, ओ छोड़ दे, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर जाने होगा, तब बाल बच्चे सब बड़ा हो जाए। आंटी अनलेस तुम बड़ा आदमी का बेटा नहीं है, अब खत्म, वो मेहनत करके डायरेक्टर पोजीशन में जाना अब थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ कुछ एमएनसीज में अभी भी है बट अभी डिफिकल्ट है थोड़ा, विदाउट रेफरेंस बहुत प्रॉब्लम। क्लियर है सर? तो ये सारी चीजें सर, सीडीसी का मतलब कॉस्ट ऑफ कंपनी, इट इंक्लूड्स ऑल द परक्यूजिट, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन सब लेकर होता है। इन हैंड का मतलब पूरा लेस कर देने के बाद आता है। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। तो सैलरी का मतलब क्लियर हो गया सर, रेट ऑफ टीडीएस समझ में आ गया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और ये भी हर महीना डिडक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट जमा करेगा। और एट द एंड पे आपको एक फॉर्म देगा सर, आपको टीडीएस का, आपका इंप्लॉय आपको फॉर्म देगा, फॉर्म 16 मान लिख लीजिए, फॉर्म 16, एम्प्लॉयर विल गिव फॉर्म 16 टू इंप्लॉई, एम्प्लॉयर विल गिव फॉर्म 16 टू इंप्लॉई बिफोर 15 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बिफोर 15 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये फॉर्म 16 क्या है सर, यही आपका टैक्स का पूरा खाता है, पूरा इनकम वगैरह आपका यहाँ पर डिटेल लिखा रहेगा। अगर मैं आपको दिखा पाऊं,
दिया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरोगे, ऐसा नहीं है। टीडीएस अलग हो गया, फॉर्म 16 अलग हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न आपका पर्सनल लायबिलिटी है। बहुत सारा बोका बंधु लोग ऐसा ऐसा है कि इम्प्लॉयर उसको फॉर्म 16 दे दिया, वो सोचता कि भैया मेरा आईटीआर लग गया। अरे मेरा इम्प्लॉयर तो कर दिया ही, तो देखो हमको दे दिया फॉर्म 16 तो दिया, और वो सोचता कि मेरा आईटीआर लग गया। नहीं सर, फॉर्म 16 इम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है अपना पर्सनल आईटीआर का। ठीक है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आप सिक्योरिटीज में याद रखिएगा कि अगर आपने इन्वेस्ट वगैरह किया है तो 10,000 तक का इंटरेस्ट क्या होता है सर, 10,000 का इंटरेस्ट, अगर 10,000 तक का इंटरेस्ट उसके ऊपर में टीडीएस नहीं लगता है। 10,000 से ऊपर अगर आपको कोई बैंक वाला इंटरेस्ट देता है तो उसके ऊपर में क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होता। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 है। कितना लिमिट है? 50,000। ठीक है, ये सारे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा सर। इसमें एक चीज मुझे आपको बताना है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेट क्रॉसवर्ड पजल। रिमेम्बर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़े, हॉर्स रेसेस क्रॉसवर्ड पजल, इसके ऊपर में फ्लैट 30% है। फ्लैट 30% में कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, तो वो टीडीएस के फॉर्म में कटता है सर। 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस डायरेक्टली गवर्नमेंट काट लेगा। इसीलिए जब आप केबीसी में जाते हैं तो 1 करोड़ रुपया जीतते हैं लेकिन 1 करोड़ मिलता नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ से 30 लाख से ज्यादा बेटा, 1 करोड़ से लेस 30% सरचार्ज टैक्स, तो लेस करके ऑलमोस्ट 65 लाख रुपया के लगभग आता है। समझ गए? तो 35 लाख रुपया वो काट लिया। अब वो कैसे रिफंड होगा, जब आप रिटर्न क्लेम करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, तो शायद कुछ पैसा रिफंड मिल जाए। और ये चीज कभी भी केबीसी वाला नहीं बताएगा। ये जो पॉइंट है ना सर, ये जो टेबल है, ये टेबल को आपको पढ़ना है सर, इसको याद रखना है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, लेट मी टेल यू। ऊपर में वहां पर लिख दीजिए, ऊपर में यहां पर लिखे है, नेम एनी 5 ट्रांजेक्शंस ऑन विच टीडीएस इज अप्लीकेबल। टीडीएस का जो फर्स्ट पेज है वहां पर लिखो, नेम एनी 5 ट्रांजेक्शन ऑन विच टीडीएस इज अप्लीकेबल। Name any 5 ट्रांजेक्शन ऑन विच टीडीएस इज अप्लीकेबल। कोई भी 5 ट्रांजेक्शन का नाम बता दीजिए जिसमें टीडीएस अप्लीकेबल होता है। खत्म। क्लियर है? सिर्फ नाम मत बताइएगा, उसके साथ उसका रेट और एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह जो याद है वो भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा। स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिक पर्सन, कुछ कुछ चीजें इंडिविजुअल और इसके ऊपर में डिपेंड है। जैसा रेंट, रेंट जो है अगर इंडिविजुअल किसी को पेमेंट करता है, इंडिविजुअल किसी को देता है, तो उसके ऊपर में रेंट है 50,000। 50,000 से रेंट ज्यादा होगा तब टीडीएस कटेगा, लेकिन कंपनी अगर रेंट का पेमेंट करता है तो 20,000 है, 20 से ज्यादा रहता है तो टीडीएस कटता है। तो ये सारा प्रोविजन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में टाइम लगेगा। और नॉन रेसिडेंट के ऊपर तो बहुत ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट में ये रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन नंबर, यहां पे लिखिएगा नेम एनी 5 ट्रांजेक्शन ऑन विच कोटेशन ऑफ पैन इज मैंडेटरी। यहां पे लिखिए नेम एनी 5 ट्रांजेक्शन, नेम एनी 5 ट्रांजेक्शन ऑन विच कोटेशन ऑफ पैन इज मैंडेटरी। नेम एनी 5 ट्रांजेक्शन ऑन विच कोटेशन ऑफ पैन इज मैंडेटरी। अब ये क्या है सर, कोई भी 5 ट्रांजेक्शन का नाम बता दीजिएगा जहां पे पैन जो है, पैन कार्ड जो है, आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। क्लियर हो गया? कोटेशन ऑफ पैन, दैट इज मतलब गिविंग पैन इज मैंडेटरी। ठीक है,
तो ये सारा बहुत सारा ट्रांजेक्शन है जहां पैन नंबर देना जरूरी है। अगर पैन नंबर आप नहीं देंगे तो रेट ऑफ टैक्स याद रखिएगा सर 20% है, रेट ऑफ टैक्स 20% है सर, हायर 20% का टैक्स रेट है सर अगर आप टीडीएस नहीं देंगे तो। मतलब अगर पैन नंबर अगला को शो नहीं किए तो वो विदाउट अन पैन बोल के डाल देगा और 20% काट लेगा वो। और अभी आधार कार्ड आ गया, ये गवर्नमेंट पैन और आधार को लिंक क्यों कर रहा है बता आपको, हर ट्रांजेक्शन में उसका नजर रखना है, टीडीएस का प्रोविजन लाया है नजर रखने के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी वो पैन आधार सब जगह लिंक कर रहा है, क्यों? आप बहुत सारे जगह ऐसा जहां पे पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वहां किसकी जरूरत है? आधार कार्ड की। किसकी जरूरत है? पेटीएम फोन पे सबको आधार केवाईसी करना पड़ता है, डेट इज योर केवाईसी राइट। और पेटीएम फोन पे आपको ऑनलाइन में सब प्रोवाइड करता है, पूरा होल मार्ट आपको प्रोवाइड करता है राइट। कुछ भी सामान वगैरह वहां से खरीदते हैं, पेमेंट वगैरह एवरीथिंग है राइट। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड गवर्नमेंट के पास है और आधार पैन कार्ड से लिंक करके जितना भी ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन समवेयर सम हाउ इज रिकॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट एंड इज वॉलंटियरिंग। आपको बस वो देख रहा है क्योंकि अभी आप उसका कोटा में नहीं आए। अभी इंजॉय बेटा इंजॉय, जब ज्यादा इंजॉय करने लगेंगे, जब उसको लगेगा ये बहुत इंजॉय कर रहा है और मेरे को कुछ नहीं दे रहा है, तब पैसा मामला कुछ और आएगा। तो आज का टाइम में डेटा जो है गवर्नमेंट के पास दैट इज ह्यूज है। आपका फाइनेंशियल डेटा को अलग लेवल से पूरा डीलिंग कर रही है, अलग लेवल से पूरा फाइनेंशियल डेटा आपका पूरा गवर्नमेंट के पास है सर, समझ गया। तो ये कंपल्सरी अलॉटमेंट ऑफ पैन है सर, पढ़ लीजिएगा ये सारा डिटेल को। अगर आप पैन अप्लाई नहीं करते हैं तो कितना रुपया है? 10,000। और पैन वॉलंटरी भी हो सकता है, 18 साल से भी पहले के लोग पैन अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ सर, माइनर बोलकर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा, माइनर वहां लिखा रहता है, 18 इयर्स के बाद फिर आपको मेजर करना पड़ता है। हमारे टाइम में था, हमारे टाइम में हो गया था, आई गेस मेरा पैन तो अजब सा है। वो बहुत पहले का था, बचपन का शायद फेंक दिया मैंने, देखना हो दूसरा वाला मैंने लाया, मेरे को फोटो अच्छा नहीं लगा था, चेंज कर दिए पैन को। देख लीजिएगा सर, पैन और आधार मस्ट बी कोटेड इन डॉक्यूमेंट पर्टेन टू सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस, एनी फाइव आपको पढ़ लेना है ठीक है। इस चैप्टर में और कुछ जरूरत नहीं है सर, इस चैप्टर में और कोई जरूरत नहीं है, पूरा थ्योरी है। जो मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन वही पढ़ना आप।